नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देश में चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें से राजस्थान भी शामिल है। वोटिंग से पहले कांग्रेस को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता गया था, इसलिए राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को खरीद फरोख्त से दूर रखने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने विधायकों को उदयपुर से लाकर जयपुर के अमेर इलाके में रखा था। इसके साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। राज्यसभा मतदान से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों को जयपुर के बाहरी इलाके अमेर के लीला पैलेस होटल में रखा था। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत की उम्मीद लगा रही कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से इलाके में गुरुवार रात 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 12 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करा दिया था। वहीं कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बीजेपी को ये एहसास हो जाना चाहिए कि वह अपनी घिनौनी हरकतों से कांग्रेस की एकता को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग को किसी भी संभावना को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस 3 सीटों को आसानी से जीत रही है। आपको बता दें, आज राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है। अभी राजस्थान में 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 108 विधायक हैं और उन्हें 3 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 123 विधायकों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान के क्षेत्रीय पार्टी के विधायकों से मदद की उम्मीद कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन के साथ।